कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन दरमियान देश के कई हिस्सों तो प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। पिछले कुछ दिनों तो असी पलायन दियां काफ़ी दर्दनाक तस्वीरां देखियां। इस दरमियान कई थावां ते संवेदना ते सहानुभूति नाल लोकां वल्लों मजदूरां नूं मदद पहुंचाउण दियां कहानियां भी सामने आईयां हन। जही कहानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। पिछले दिनी रायपुर के टीटाबंद चौंक के नेड़े कुछ सिख नौजवानों ने प्रवासी मजदूरों की प्यास मिटाउण दे लई गजब का जज्बा विखाया। गुरद्वारा सेवा समिति के मैंबर रात दे समे बाइक नाल खिंच के पानी का टैंकर ले आए। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो पिछले वीरवार रात 3 बजे का है। इस वीडियो में दो सिख नौजवान 3,000 लीटर पानी नाल परे टैंकर नूं बाइक नाल खिंच के कदे हत्थां नाल खिंचते लियांदे दिखाई दे रहे हन। जानकारी दे मुताबक वीरवार शुक्रवार दी दरमियानी रात 3 बजे झारखंड दे लगभग 200 मजदूर भुखे प्यासे टीटाबंद चौंक पहुंचे, जिथे खाने की व्यवस्था तो सी पर पानी खत्म हो गया सी। रात नूं कोई होर उपा ना सुझिया तां कुछ सिख नौजवानों ने 3 किलोमीटर दूर पंप तो पानी भरन की ठाणी अते ट्रैक्टर नहीं मिल पाउण ते बाइक नाल टैंकर नूं बन्न के निकल पाए। हाईवे ते वाहनां दरमियान कड़ी मुशक्कत दे नाल भरिया होया पानी दा टैंकर वापस लैके पहुंचे, जिस तों बाद सवेर तक पानी की कोई परेशानी नहीं हुई। दस दईए कि रायपुर के टीटाबंद चौंक च हर दिन हजारां की गिनती च मजदूर पहुंच रहे हैं। एक गुरद्वारा सेवा समिति अते जिला प्रशासन वालों खाने की व्यवस्था की गई है। वीडियो वायरल होने तो बाद लोग सिख सेवादारां दी जम के तारीफ कर रहे हैं। सिख कौम वालों सेवा दीआं तस्वीरां थां थां तों सामने आ रही हैं। एक पासे जिते हर कोई अपने आप नूं इस वायरस तों बचाउणा चाहुंदा है तां उत्थे सिख भाईचारे वालों सड़कां ते नित्तर मनुक्ता दी सेवा कीती जा रही है। साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।